गुड मॉर्निंग क्लास. बट यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स. कल डिस्कस किया था परिवहन की रेड एनिमल्स बीच होती है किवे होती है लहू की है लहू वैणिया की है दिल दे की कम है ठीक है ना. व्हाट इज ब्लड ब्लड वेसल्स एंड द हार्ट ठीक है ना. टुडे वी विल डिस्कस द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स ठीक है ना. बिफोर दैट अपने टॉपिक रहना सी बच्चे लिम्फ ठीक है ना. हुन लिम्फ की अपन डिस्कस करने एंड वेरी वी कैन से ब्रीफ कि लिम्फ की होता है. बड़ा लिम्फ अपने को एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. अपन चैप्टर नंबर 6 क्लास 9 च पढ़ चुके हैं कि लिम्फ ते अपना हा ब्लड है दोनों ही की है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज है. बट लिम्फ दे विच की होता है बेटा. पर लिम्फ दी सारी जिहड़ी अपने को स्ट्रक्चर सारी कंपोजिशन है सेम हुंदी दैन दैट ऑफ द प्लाज्मा. बट सिर्फ अलग की होंगे कि जो लिम्फ है उसके विच अपने को WBCs होंगे जिन्हों बोलते हैं लिम्फोसाइट्स. स्पेशल टाइप ऑफ WBCs आते हैं जिन्हों बोलते हैं लिम्फोसाइट. बट उस HB जिन्हों पर हीमोग्लोबिन बोलते हैं या अपने को बोलते हैं प्लेटलेट्स वो नहीं होंगे ठीक है ना. तो मीनस कि ए सिर्फ एक तरह सैल है कि अपने को लिम्फोसाइट्स मतलब WBCs ठीक है ना. स्पेशल टाइप ऑफ WBCs कॉल्ड लिम्फोसाइट्स आर देयर ठीक है ना. बट ए होंगे अपने को प्लेटलेट्स या RBCs प्रेजेंट नहीं होंगे. पर एक और गल है अपने को जो ब्लड है टू वे मैकेनिज्म है फ्रॉम द बॉडी टू हार्ट एंड टू बैक फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी. बट लिम्फ की होंगे वन साइड मैकेनिज्म है फ्रॉम द टिश्यूज टूवर्ड द हार्ट ओनली ठीक है ना. ये मूवमेंट है कि सिर्फ वन साइड होंगी है फ्रॉम टिश्यूज टू द हार्ट ओनली. पर ये काम की है ठीक है. उन्हें काम में लिखे हुए सामने ट्रांसपोर्ट डिजेस्टिड फैट जी डिजेस्टिड जी फैट हैगी है और ट्रांसपोर्ट करना डिफरेंट पार्ट्स है कौन करवाता है बच्चे अपने को लिम्फ ठीक है ना. उस रिटर्न द प्रोटीन्स एंड फ्लूइड्स फ्रॉम द एक्सल फ्लूइड टू सर्कुलेटरी सिस्टम. लिम्फ ने जिन्हें प्रोटीन्स है अपने को या जिन्हें भी अपने को फ्लूइड्स है रिटर्न करना है बैक टू सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक है ना. अब जो मिडल मैन एक्ट करता है बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज ठीक है ना. जिन्हें भी अपने को न्यूट्रिएंट मटीरियल्स है उन्होंने हार्ट तक कौन पहुंचाएगा अपने को लिम्फ पहुंचाता है ठीक है ना. तो लिम्फ जिहड़ा है मिडल मैन है बिटवीन द टिश्यूज एंड द हार्ट ठीक है ना. वन वे मैकेनिज्म है और ये की होंगे स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज लिम्फोसाइट्स आर देयर. तो लिम्फ अपने को डिस्कस किया है हम डिस्कस करना ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. पर अपने को ह्यूमन दे विच की होंगे इन ह्यूमन वी हैव ब्लड ब्लड वैसल्स ते हार्ट सारे ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं. पर एनिमल्स दे विच कोई प्लांट्स दे विच की होंगे बड़ा प्लांट्स दे विच ना अपने को वाटर जिहड़ा हैगा वो रूट्स ने एबजॉर्ब करना है ठीक है ना. रूट्स एबजॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर. उन्हें रूट हेयर नाल वाटर नू एबजॉर्ब करना है. पर वाटर है ऊपर जाऊंगा अपने को ऐसे अपने को एरियल पार्ट्स है. एरियल पार्ट्स पार्ट का मतलब कि अपने को जो लीफ है ये बाहरले पार्ट्स है. एरियल का मतलब हवा में रहने वाले पार्ट्स है. इतने तक ब्लड पानी पहुंचाना ठीक है ना. इतने तक वाटर पहुंचाना कि अपने को मुश्किल काम है वड्डे प्लांट्स लिए. छोटे लिए तो बड़ा ईजी है किवें ईजी है तो की करते हैं प्लांट्स लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग. पर छोटे प्लांट्स की होंगे अपने को रूट्स है सिर्फ इतने तक अपने को इन्ना स्ट्रक्चर जी अपने को हर्ब्स है श्रब्स है उत्थे की होंगे रूट्स एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट हेयर ठीक है ना. विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर. बड़े रूट हेयर के कोल दो मैम्ब्रेन होंगे अपने को बाहरली मैम्ब्रेन जो सैल वॉल कह लें. सैल वॉल इज परमीएबल टू ऑल वॉटर भी तो न्यूट्रेंट भी सब अंदर ले आएगी ठीक है ना. बट सैल मैम्ब्रेन है कि अपने को सैमी परमीएबल है और सिर्फ कुछ मटीरियल अंदर आन देती है. कि आन देती है विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसैस विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसैस ठीक है ना. तो इतने आया हरेक पार्ट तक पानी बड़े आसानी में पहुंच जाता है. बट वे प्लांट के होंगे बच्चे वे प्लांट्स मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट हेयर टू अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट इज कॉल्ड एज द एसेंट ऑफ सैप. बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप. हूँ एसेंट ऑफ सैप होंगे कि अपने को अलग अलग थ्यूरीज है बड़ा पढ़नी है बच्चे अपने को. वी हैव थ्यूरी ट्रांसपीरेशन पुल एंड कोहिजन टेंशन थ्यूरी. कोहिजन टेंशन थ्यूरी ठीक है. पर हमने की है कोहिजन टेंशन थ्योरी लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग. सब तो पहला की होता है बच्चे रूट हेयर्स विल एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल ठीक है ना. देन दिस वाटर विल बी सेंट अपवर्ड विद द हेल्प ऑफ द रूट प्रेशर. जो रूट हैगी है वो एब्जॉर्ब करेंगे रूट हेयर के नाल ते प्रेशर के नाल अपवर्ड वाटर नु सेंड करेंगे ठीक है ना. बड़े वाटर कुछ हाइट तक जाएगा उसके ऊपर हाइट तक नहीं जा सकता. देन बच्चे जाइलम अपने को प्रेजेंट है. जाइलम इज अ कंडक्टिंग टिश्यू. जाइलम की अपने को एक कंडक्टिंग टिश्यू है जिसे विच की होंगे अपने को चार एलिमेंट्स होंगे हैं ट्रैकिड्स वेसल जाइलम फाइबर्स सॉरी जाइलम पैरेन्काइमा जाइलम फाइबर्स ठीक है ना.
पहले दो अपने को एलीमेंट्स है केड़े-केड़े है ट्रैकिड्स ते वेसल्स इन्हां दा काम की हुंदा बच्चे ए अपवर्ड मूवमेंट दा काम करदे वाटर नूं अपवर्ड लिजाण दा काम करदे है एंड ठीक है ना दे मेक अ कंटीन्यूअस चैनल ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ द कोहीजन थ्योरी ऑफ वाटर कोहीजन फोर्स ऑफ वाटर ठीक है ना वो पानी नूं उपर खिंचदे है ठीक है जे खिंचदा की हुंदा पानी एक कंटीन्यूअस चैनल दी फॉर्म दे विच बन जांदा है ठीक है ना और ए वाटर उपर चढ़न आ जांदा है ठीक है कुछ हद तक चढ़दा जेहड़ा फिर की हुंदा अपने कोल जिहड़े लीफ या अपने कोल एयर पार्ट्स हैगे है वो ट्रांसपीरेशन कॉज करदे है ट्रांसपीरेशन सिर्फ लीव्स नाल नहीं हुंदी तुहानूं पता होएगा कि ट्रांसपीरेशन जिहड़ी हैगी अपने कोल वो जिस स्टेम में वो भी करती है विद द हेल्प ऑफ लेंटिकल्स ठीक है ना स्टेम के उत्ते लेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे है जो कि ट्रांसपीरेशन करने के लिए हेल्प करते हैं तो बच्चे की होएगा ट्रांसपीरेशन पुल जो होंगे अपने को करता है टेंशन क्रिएट करता है टेंशन का मतलब की होंगे एक पेंडिकुलर फोर्स क्रिएट करता है जो कि पानी को उपर खिंचन के मदद करता है ठीक है ट्रांसपीरेशन पानी को बाहर कढ़ना है तो की करेगा बच्चे वो पानी उपर वाल खिंचेगा क्लियर अबाउट दिस बच्चे तो अपने को की होएगा सब तो पहला रूट प्रेशर से फिर दैन कोहीजन फोर्सिज ऑफ वाटर दैन योर ट्रांसपीरेशन पुल तिने पुल्स वाटर हैगा की करता है एरियल पार्ट ऑफ प्लांट तक पहुंचता है जिथे वाटर में यूज करने विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ठीक है ना समझ आए बच्चे अपने को पहला रूट प्रेशर ने काम किया फिर कोहीजन फोर्स ऑफ वाटर ने काम किया लास्ट काम किया अपने को ट्रांसपीरेशन पुल ने ठीक है ना विद दिस द वाटर विल बी सेंड टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ठीक है ना अलग अलग पार्ट्स तक पानी जाएगा पर उस तो बाद की होंगे अपने को ठीक है ना आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन हूँ पानी चला गया उन्हें करना बच्चे अपने को दैन द प्रोसेस ऑफ वाटर सेंसिबल विल बी देयर जिन्ना वाटर अपने को यूज करना है वो अपने को वाटर रख लेगा अदरवाइज बाकी पानी बाहर करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपीरेशन प्रोसेस ठीक है ना और उस तो बाद एक होर गल भी अपने को जेडे अपने को ट्रांसपीरेशन प्रोसेस पानी बाहर जाता है सोमैटा नाल बाहर जाता है सोमैटा ही अपने को करते हैं ओपनिंग ते क्लोजिंग दे नाल गैसेस दा एक्सचेंज करते हैं ठीक है ना आई टोल्ड यू अनदर डे बिफोर यस्टरडे आई टोल्ड यू अबाउट द सोमैटल सेल गार्ड सेल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ठीक है ना तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग किस तो होंगी अपने को सोमैटल सेल्स नाल ही होंगी है ठीक है ना तो फिर दिस इज अ होल प्रोसेस हाउ एसेंट ऑफ सैप अकर हाउ वाटर इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द मीन्स की फ्रॉम द सॉइल टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट ठीक है ना बट जिन्ना प्लांट लंबा होंगे अपने को उन्निया फोर्सेज की होंगी दे रिक्वायर मोर फोर्सेज टू सेंड द वाटर टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ठीक है ना हरेक पार्ट तक पहुँचाने लिए करना पेगा वद फोर्सेज की लोड होगी ठीक है ना तो मैं सम अप कर रही हूँ अज न्यूट्रिशन सॉरी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स नू ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स दे विच असीं पढ़ना है एसेंट ऑफ सैप और एसेंट ऑफ सैप दे विच की है एसेंट ऑफ सैप च पढ़ना है असीं ट्रांसपीरेशन पुल एंड कोहीजन टेंशन थ्योरी ट्रांसपीरेशन पुल का मतलब की है एन अपवर्ड पुल एग्जर्टेड बाय द अपवर्ड पुल एग्जर्टेड बाय द लीव्स ठीक है ना एंड लेंटिकल्स दैट हेल्प द वाटर टू बी सेंड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट ठीक है ना एंड कोहीजन फोर्सेज फोर्स ऑफ द वाटर ऑल्सो हैव द हेल्प इन द अपवर्ड मूवमेंट ठीक है ना देन योर रूट प्रेशर दैट इज हेल्पिंग द हेल्पिंग टू सेंड द वाटर टू सम हाइट ठीक है ना कुछ हाइट तक अपने को बचाने के लिए मदद करता है ठीक है ना ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स मेन की है बच्चे अपने को लर्न करने वाला कि अपने को हार्ट ब्लड वैसल्स से ब्लड बारे पढ़ना है ब्लड के किन्ने पार्ट्स है अपने को ठीक है डब्ल्यू बी सीज है आर बी सीज है प्लेटलेट्स है फंक्शन की है जिम्मे अपने को आर बी सी का फंक्शन है आर बी सी इज कैरिंग द पिगमेंट कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन दैट सेंड्स अ ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स और इट सेंड्स अ ऑक्सीजन ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ठीक है ना देन अपने को डब्ल्यू बी सी का फंक्शन है इट हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस सो एक्टिंग एज अ सोल्जर फॉर द बॉडी ठीक है ना प्लेटलेट का काम की है बच्चे ब्लड क्लोटिंग करना काम है ठीक है ना इस तरीके ना अपने को नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स आर्टरीज की अपने को आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स दैट कैरी द ब्लड फ्रॉम द हार्ट ठीक है ना दीज जनरली कैरी द ऑक्सीजन ब्लड ठीक है ना उसके बाद वेन्स वेन्स कैरी द ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू वर्ड्स द हार्ट एंड दीज जनरली कैरी द डी ऑक्सीजन ब्लड ठीक है ना एंड कैपिलरीज आर द इंटरकनेक्शन बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन्स बट हार्ट को अपने को डबल सर्कुलेशन है हार्ट में जी मूवमेंट्स होंगी अपने को होंगे कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती बोलते हैं सिस्टोल एंड डायस्टोल ठीक है ना सिस्टोल से डायस्टोल नॉर्मल बीपी है ब्लड प्रेशर है ठीक है ना बीपी होंगे की है वट इज द ब्लड प्रेशर
प्रेशर एग्जर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एज द ब्लड प्रेशर. ठीक है ना, अपना नॉर्मल जो बीपी होता है वो कितना होता है 1820/80 mm ऑफ मर्करी. ठीक है ना, इस सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर है अपनी हार्ट का. ओके बेटा, देन कम्स इज योर आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट डबल सर्कुलेशन एंड द फंक्शन ऑफ द ब्लड. ब्लड के फंक्शन की है, हॉर्मोन ट्रांसपोर्ट करना, रेस्पिरेटरी गैसेज ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन फूड न ट्रांसपोर्ट करना. ठीक है ना, जो भी अपने को सारे फंक्शन अपन कंप्लीटली डिस्कस करने हैं एंड विद दिस आर ट्रांसपोर्टेशन एंड्स. ठीक है ना, एंड टुमोरो विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन एंड आफ्टर दैट वी विल डिस कंप्लीट अवर चैप्टर. ठीक है ना, थैंक यू एवरीबॉडी.